Hello everyone, in this video I will going to discuss a very important topic of semiconductor. So that is logic gate. Basically logic gate क्या होता है हम आपको बताना चाहेंगे. जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम एक से ज़्यादा इनपुट देते हैं बट उसका आउटपुट जो रहता है वो एक ही होता है, तो वहाँ पे लॉजिक गेट का यूज़ होता है. बेसिकली हमारे पास जो लॉजिक गेट होते हैं उसमें पहला जो होता है और ऑपरेशन, इट मीन्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, तो अगर हम जैसे इनपुट यहाँ पे ए बी दो इनपुट हैं और ये आपका वाई जो है आउटपुट है, तो अगर हम जैसे जीरो जीरो इनपुट देंगे तो इसका जीरो आएगा आउटपुट, ज़ीरो और वन देंगे तो वन आएगा, वन और ज़ीरो देंगे तो वन आएगा, और वन वन देंगे तब भी वन आएगा. ठीक है, ये आपका होता है और ऑपरेशन. और उसके बाद हम नंबर सेकंड जो आपका है वो एंड ऑपरेशन है. तो एंड होता है y इक्वल टू ए डॉट बी. ठीक है, यहाँ पे अगर हम जीरो जीरो देंगे तो जीरो आएगा, जीरो वन देंगे तो जीरो आएगा, वन जीरो देंगे तो ज़ीरो आएगा, वन 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 देंगे तो वन आएगा. बेसिकली जैसे अगर हम लोग हमारा दो डिजिट का एडिशन और दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, सिंपली वही रूल यहाँ पर आप लोग फॉलो करिए. जैसे पहले बारे में देखिए, जीरो 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 होगा, जीरो वन वन होगा, थर्ड जो है वो नॉट है. नॉट है कि हम जो भी इनपुट देंगे उसका उल्टा ही आउटपुट आएगा. ठीक है, ठीक है ना. तो अगर हम वन देंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, उसका जीरो आएगा आउटपुट, और जीरो देंगे तो वन आएगा. ठीक है, इसके बाद हम लोग नैंड गेट पे आते हैं. नैंड गेट देखिए, ये जो हम ऊपर की तीनों गेट आपको बताएं वो तीनों जो हैं वो अपने में ही हैं, लेकिन ये जो नैंड गेट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट है, दैट इज़ एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट. ठीक है, सिंपली आप लोग जो है एंड की कैलकुलेशन करिए और उसी का इन्वर्स कर दीजिए. जैसे एंड में जो है जीरो जीरो का ज़ीरो होता है, बट नैंड में ज़ीरो ज़ीरो का वन होगा. फिर एंड में ज़ीरो वन का ज़ीरो होता है, नैंड में ज़ीरो वन का वन होगा, ऐसे ही. ठीक है, तो ये बेसिकली हम आपको आज चार लॉजिक गेट के बारे में बताए हैं. उसके बाद हम आपको और सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल हम आप लोग को अगले वीडियो में देते रहेंगे. तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको फर्दर जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू.